देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 में जिला संवाददाता वीरेंद्र कुमार झाझा से लाए। दर्शकों, जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार के आदेश पे पूरा जम्मू जिला को अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। जहां एक तरफ अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे हैं सड़कों पर अतिक्रमण करने से, वहां प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए। अतिक्रमण हटता है फिर लोग रोड पे कब्जा कर लेते हैं। रोड जो है आम जनता की संपत्ति है, सड़कें जो बनती आम जनता की सहायता के लिए, सहूलियत के लिए। ऐसे में झाझा में आज जो प्रशासन का डंडा चला है, प्रशासन कार्यपालक पदाधिकारी अंचलाधिकारी हमारे साथ हैं यहाँ, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आज जो चल रहा सफाई अभियान झाझा का, सर कहाँ कहाँ चलेगा? पूरे झाझा में चलेगा। आज हम लोग थाना से ताल्लुक किए हैं और गांधी चौक होते हुए आगे बढ़ेंगे जी। आज अगर कुछ बच जाता है तो फिर हम लोग पुलिस में लगेंगे। एक दिवसीय है सर? नहीं नहीं नहीं, ये चलेगा अभी आगे के एक सप्ताह लगातार चलेगा। अच्छा, और ऐसा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हर माह में निश्चित तारीख हम लोग ये कर रहे हैं कि हर एक निश्चित तारीख को ये चलाया जाएगा। और पूर्व में भी हम लोग इसकी सूचना माइकिंग से करवा चुके हैं जी जी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग बाज नहीं आ रहे हैं। हम लोग उस पर ये आर्थिक रूप से मतलब जुर्माना भी लगा। हमारे साथ कार्यपालक पदाधिकारी झाझा जुड़ रहे हैं। सर, बार बार अतिक्रमण मुक्त होता है झाझा शहर, और होता क्या फिर लोग सड़कों को घेर लेते हैं, सर क्या कर रहे हैं इसके लिए? हम लोग इसके खिलाफ प्रत्येक महीने 15 तारीख या 16 तारीख को एक डेट निश्चित कर रहे हैं, और पॉलिथीन और अतिक्रमण दोनों के खिलाफ हम लोग हर महीने अभियान चलाएंगे ताकि बिहार को पॉलिथीन मुक्त किया जा सके और झाझा को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए अतिक्रमण मुक्त किया जाए। अब सड़कें जो सर बनती है आम जनता की सहूलियत के लिए, लेकिन फिर भी कई लोग जो है सो सड़कों को कई तरह से, कई जगह आपने देखा होगा जनरल योजना में भी सड़कों को काट दिया लेकिन भरा नहीं है सर, जबकि उसको भरना चाहिए गड्ढे को, सर इसको थोड़ा सा बताइए। नहीं, जनरल योजना में जो भी सड़क काटी जा रही है उसको फिर से उसको मरम्मत किया जाएगा और उसको ठीक किया जाएगा ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हो, सड़क ठीक ठाक रहे और दुरुस्त रहे। नगर के भी कई सड़कें हैं सर जिसको काटी गई लेकिन भरा नहीं गया, अभी भी जनता को काफ़ी तकलीफ है, क्या वो कॉन्ट्रैक्टर भरेगा या अपने विभाग भरेगा? नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्टर भरेगा, विभाग क्यों भरेगा? कॉन्ट्रैक्टर वो योजना चला रहा है, कॉन्ट्रैक्टर उस पर काम करेगा, उसको उसके एवज में पैसे दिए गए हैं। हमारे साथ कार्यपालक पदाधिकारी झाझा जुड़ रहे थे। दर्शकों, जैसा कि आज जन नल योजना बहुत तेजी से बिहार में नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये लग रही है, लेकिन कई सड़कें अभी भी काटी गई हैं लेकिन सड़कों का दुरुस्त नहीं किया गया। सड़क अभी आपने सुना कार्यपालक पदाधिकारी का कहना था कि ठेकेदार का काम है सड़कों को फिर जैसे था वैसे बनाना, लेकिन ठेकेदार करते क्या है, रोड से पाइप निकाल दिया, बाकी छोड़ दिया, आम जनता परेशानी झेलते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए कि आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। दैनिक लाइव न्यूज 24 के लिए झाझा जिले से वीरेंद्र कुमार की एक खास रिपोर्ट। झाझा नगर पंचायत में अतिक्रमणकारियों पर जल टूट रहा है प्रशासन का कहर। ये जो अतिक्रमण मुक्त करने का मुहिम चल रहा है झाझा में चल रहा है, बहुत सारी दुकानें जो अतिक्रमण में थी उसको मुक्त किया गया है। देखिए कई सारी भट्टियां तोड़ी जा रही हैं, बहुत सारे छप्पर हैं उसको तोड़ा जा रहा है। झाझा प्रशासन भी सहयोग में लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, अनिल बाबू हैं यहाँ, बहुत सारे लोग। आप लीजिए फाइन काटिए, फाइन दीजिए, रसीद थमाइए, कोई न कर क्या रहे हैं। 26 तारीख तक कहा गया था, अब कर क्या रहे हैं? नोटिस नहीं आया है, वो आपकी समस्या। उसके हम इसके पहले चार बार हम वो सूचना दे चुके हैं। गांधी चौक के पास झाझा में भी अतिक्रमण मुक्त करते हुए नगर पंचायत के कई लोग